तो है गाइस बेटू भाई थे। देखो आज मैं बात करने वाला हूँ एक महाप्राणी के बारे में भाई, जिसका रहना और ना रहना एक ही बराबर है। उस बंदे का नाम है पागल हैम्पटन। देखो अब तुम सोच रहे हो बेटू भाई तुमने टाइटल एंड थंबनेल ऐसा क्यों रखा है एंड इस बंदे के ऊपर वीडियो क्यों बना रहे हो। तो देखो मैं तुम्हें सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ, इस बंदे ने अभी तक गैरेना में मतलब फ्री फायर के अंदर जितने भी तरह के स्कैम हैक वगैरह जो भी हो सकता था वो सब कर चुका है। देखो अभी तक मैं इसको इग्नोर मार रहा था बट रिसेंटली ये बच्चों के साथ स्कैम करने लगा। भाई यार थोड़ी तो शर्म कर लेता, मतलब गेम में छोटे छोटे से बच्चे गेम खेलते हैं उनके साथ तो स्कैम मारने लग गया। शर्म करो। ये वीडियो मैं अभी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सुनने में आया ये बंदे के साथ अभी फ्यूचर में कुछ होने वाला बहुत तगड़ी चीज, तो इस वजह से ये वीडियो मैं पहले ही बना दे रहा हूँ। तो अब तुम लोग समझ ही हो गए कौन बंदा, इंडिया का बेस्ट पीसी प्लेयर या मोबाइल प्लेयर, तुम जो भी इसको बोला जाए वो बोल सकते हो। इसका नाम है पागल हैम्पटन। वीडियो को करते हैं स्टार्ट, पूरा एंड तक देखना, बट उससे पहले एक लाइक कर देना, ना सब्सक्राइब बटन दबा देना। अब देखो वैसे पागल हैम्पटन बंदा कैसा वो तुम्हें बता दो, बंदा जैसा भी है मेरे को उससे पर्सनल लाइफ से कोई इंटरफेयर नहीं है, बट जो उसकी प्रोफेशनल लाइफ है लाइक गेम में इसका नाम जो पागल हैम्पटन है, बट ये बंदा क्या करता है अपने मोबाइल में आपको बताओ। रिसेंटली यानी मैं आईफोन में हैक लगा के यूज करने लग गया था, तुम्हारे भाई ने तुम्हें सबसे पहले बताया था एंड ये भी बताया था कि इसका स्क्वाड एक दिन हमारे साथ नाइट में वर्सेस करने आ रहा था। जब इसने मारना शुरू किया ना तभी समझ में आ गया था ये बंदा पैनल यूज कर रहा है, मतलब मोबाइल के अंदर आईफोन के अंदर जिसको हम मेटा डाटा बोल सकते हैं बेसिकली उस चीजों को यूज कर रहा है। एंड जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया एंड बंदों ने इसको लाइव में बोलना शुरू कर दिया कि तू पैनल वगैरह यूज कर रहा है मैटर करता, तो ये बोल रहा है भाई हाँ मैं कर रहा था। मतलब इस बंदे का घमंड देख रहे हो अलग ही लेवल पे था। एंड फिर इसने बीच में रिलीजन वगैरह के ऊपर भी गाली दिया था, बहुत कुछ बोल दिया था, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करेंगे वो पुराना टॉपिक हो चुका है। बट हाँ ये बोलना चाहूंगा ये बंदा भाई जितना बुरा काम कर सकता था ना गेम के अंदर उतना इसने सब कर दिया, बट रिसेंट के टाइम में इसने हद पार कर दी जब ये छोटे छोटे बच्चों के साथ स्कैम करने लग गया गेम के अंदर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब देख मेरे पास कुछ चीजें तो आई हैं एंड बहुत सारी चीजें आ जाएंगी इजीली, उसमें मेरे को टाइम नहीं लगेगा मंगाने। अब तू सोच रहा होगा कि बेटू को पता कैसे चल गया कि ये तू सारे कांड कर रहा है, भाई इतनी सेफ्टी से जो कर रहा था। भाई देख मेरे कान ना हर जगह पे हैं, तो चलो इसके बारे में बात कर लेते। देखो सबसे पहले तो इसकी वीडियो के बारे में बात करते, ठीक है। ये बंदा अपने गेम प्ले में अभी भी कभी कभी थोड़ा बहुत हैक यूज कर लेता, मतलब कुछ क्लिप्स हैं जिसकी जो ये हैक लगा के खेलता है एंड भाई उन क्लिपों को ये बार बार अपलोड करता रहता है अपने चैनल पे। जब कोई बंदा इसके ऊपर जब कुछ ज्यादा बोलने लग गया तो भाई इसको कुछ समझ में नहीं आया तो ये स्ट्राइक देना शुरू कर दिया। देखो तुम्हें पता होगा इसने बॉस ऑफिशियल को स्ट्राइक दिया था। देखो उस मामले में मैं नहीं बोलूंगा बट हाँ जब भी कोई इस बंदे को कुछ बोल देता है ज्यादा एंड इसको पता चल जाता है ये एक्सपोज होने वाला तो भाई सीधे स्ट्राइक दे दो ना, बढ़िया, ताकि सामने वाला बंदा भी तेरी कुछ क्लिप्स वगैरह यूज ना कर पाए कि भाई ये पागल हैम्पटन स्ट्राइक दे देगा। अब देखो गाइस स्ट्राइक से मेरे को भी डर बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि स्ट्राइक अगर सामने वाला बंदा नहीं हटाता तो 3 महीने में ऑटोमेटिकली हट जाएगी अगर वो एक स्ट्राइक रहती है। तो अनफॉर्चुनेटली इसी वजह से इस वीडियो में मैं काफी सारी चीजें ऐड नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता था, क्योंकि तुम भी जानते हो ये बंदा स्ट्राइक देने में माहिर है, जिसकी वजह से ज्यादा ऑडियंस को नहीं पता चल पाएगा ये बंदा कैसा है। अब तुम लोग सोच रहे हो बेटू भाई तुम अभी के टाइम पे ये वीडियो क्यों बना रहे हो। देखो अभी मेरे को सुनने में आया ये पार्टनर प्रोग्राम में शायद जा रहा है या फिर पहुंच गया आई थिंक। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे ट्रस्टेड ब्रांड लोटस 365 के बारे में। ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला है एंड ये सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है जो इंडिया में 2015 से एक्टिव है एंड यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते रहते हैं और आप यहाँ पे 1000 से भी ज्यादा लाइव गेम खेल सकते हो एंड अमेजिंग प्राइजेस जीत सकते हो। इस प्लेटफॉर्म पर आपको सबसे बेस्ट ऑफर एंड प्रमोशन भी मिलते हैं, साथ ही साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 7x24 मतलब हमेशा कस्टमर सपोर्ट आपको अवेलेबल मिलेगा। भाई आप वेट किसका कर रहे हो, अभी जाओ और खेलो एंड आईफोन 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिव अवे के साथ बोनस भी पाओ और लाभ भी उठाओ। अगर ये पार्टनर प्रोग्राम में जा रहा है तो बहुत जल्दी इसके पास शायद वी बैज आ जाएगा एंड अभी के टाइम पे जब ये बच्चों के साथ स्कैम कर रहा था, मतलब तुम समझ ही सकते हो स्कैम करने से चालू कर दिया तो बेसिकली वी बैज के बाद तो भाई ये क्या क्या कर सकता है, तो उसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ पहले ही। एंड हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों से सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी बंदा तुम्हें गेम में मिले फर्क नहीं पड़ता कोई यूट्यूबर है या तुम्हारा कोई इंस्पिरेशन वाला प्लेयर है सो कॉल्ड, ठीक है, उसको कभी भी अपनी कोई भी डिटेल वगैरह पर्सनल चीजें शेयर मत किया करो। इवन मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं भी तुमसे गेम में आके मिलूं ना मेरे को भी पर्सनली कुछ भी शेयर मत करना। देखो ये अपनी सेफ्टी ना अपने हाथ में होते, किसी को भी कोई भी डिटेल्स नहीं देनी चाहिए, समझदार बनो मैच्योर बनो। चलो वापस से टॉपिक पे आते हैं। अब देखो ये बंदा तुम्हें पता है हैक लगा के खेलता है, अंधाधुंध मारना शुरू कर देता है, हैक लगा के अपने आप को प्रो समझता है, ठीक है, एंड अपनी वीडियो के टैग्स कैसे लगाता है तुम्हें स्क्रीनशॉट पे दिख रहे होंगे इसकी वीडियो के, क्या खतरनाक इसकी वीडियो के टैग तुम्हें मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं एंड तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये बंदा कितना खतरनाक टैग लगा रहा है, मतलब अपने आपको पागल हैम्पटन जॉर्ड लिख रखा है, राइस स्टार क्लासी तो चलो नॉर्मल है टैग्स वगैरह यूज सब लोग करते हैं, बट इसके टैग्स थोड़े अलग लेवल पे, बेस्ट फ्री फायर प्लेयर, बेस्ट FF प्लेयर, मतलब एक तो हैक लगाओ ऊपर से अपने आपको बेस्ट प्लेयर बोल रहे हो तो भाई थोड़ा तो शर्म कर लो। अब देखो अपने गेमिंग वाले यूट्यूबर या गेमिंग से रिलेटेड कोई बंदा टैग लगा था वो तो समझ में आता है, लेकिन कैरी मिनाटी को बीच में कहां डाल दिया इस बंदे ने। अब देखो बाकी टैग्स के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, वो फ्री फायर के क्रिएटर्स एंड फ्री फायर से रिलेटेड नॉर्मल है भाई, बट अपने आपको बेस्ट प्लेयर तो मत बोलना कम से कम, मतलब एक हैक भी लगा था ऊपर से अपने आपको बेस्ट भी बोल रहा है।
एंड यहीं तक बात नहीं रुकी थी, तो भाई अब स्कैम करना भी चालू कर दिया। पागल सुधर जा, अभी भी टाइम है। अगर कुछ भी डिटेल्स अगर देनी लगती तो हो सकता है वो पार्टनर प्रोग्राम से भी निकाल दिया जाए अगर तो हैक वगैरह यूज कर रहा। देखो अभी के टाइम पे तुम्हें पता है हैक लगाने से आईडी बैन नहीं होती है। अब ये नहीं कह रहा तुम लोग हैक लगाने लग जाओ, आईडी बैन हो जाएगी। देखो कुछ बंदे हैं ना जो बहुत पेड हैक्स करते हैं अच्छे खासे, जो नॉर्मल पीपल नहीं यूज कर सकते। बहुत सारे क्रिएटर अभी के टाइम पे भी करते हैं जिनकी आईडी अभी तक बैन नहीं हुई, स्टिल तुम लोग जानते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदे फेयर प्लेयर है, वो बंदे हैक है। जैसे कि तुम फाइव स्टार गेमिंग को ले लो, जो पुराने टाइम पे पैनल यूज कर रहा था, तुम्हें पता होगा, तुमने आईडी में देखा होगा। एंड एक दो क्रिएटर और थे, अब नाम नहीं लूंगा, उसके भी 1 मिलियन से ऊपर है, तुमने क्लिप देखी होगी, उसकी आईडी भी स्टिल बैन नहीं हुई है। देखो हैक का क्या सीन रहता है, ये बंदे पेड हैक यूज करते हैं अच्छे खासे, एंड जब टाइम होता है पैच होने का, उससे पहले ये लोग उसको यूज करना बंद कर देता, तो उनकी आईडी से बच जाती है। ऊपर से अब तो ये लोग गैराना के दलाल भी बनने वाले हैं। अब देखो गैराना के दलाल से याद आया, फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम में भी अभी बहुत सारे सीन चल रहे हैं। अब तुम लोगों को इसके ऊपर एक बहुत डेडिकेटेड देखने को मिलेगा वीडियो की, भाई फ्री फायर के मॉडरेटर कैसे हैं, मतलब कुछ चीजें आई है मेरे सामने भी, एंड कुछ मैं तुम्हें अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ मॉडरेटर्स हैं, उनके चैट वगैरह भी दिखाऊंगा। अब तुम्हें समझ आया होगा भाई फ्री फायर के मॉडरेटर एंड फ्री फायर की जो कम्युनिटी है ना, अपने जो इनके मैनेजमेंट सिस्टम है वो कितना घटिया है। वो बेसिकली एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाता ताकि कोई भी क्रिएटर या जो भी गेम में इशू चल रहा है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बट जब इन मॉडरेटर्स के पास डिटेल्स पहुंचते हैं कि ये इशू चल रहा है, तो ये लोग कैसे मना करते हैं वो भी तुम्हें बताने वालों, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चैट्स आ चुकी है मॉडरेटर की, तरह तरह के यूट्यूबर्स हैं, एंड वो सारी चीजें तुम्हें दिखाने वाला हूं। बट उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आने वाली, क्योंकि उसके बाद फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम को बहुत गंदा हेट मिलेगा, क्योंकि उसमें कुछ चीजें ऐसी है ना जो तुम स्टिल बिलीव नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें ना ही मैं फ्री फायर इंडिया, मतलब फ्री फायर इंडिया पार्टनर प्रोग्राम एंड बांग्लादेश का भी तुम्हें सीन समझाने वाला हूं। वहां तो तुम्हें पता ही वहां पे कितना गलत हो रहा है लड़कियों के साथ भी, मतलब बहुत सारे सीन चल रहे हैं उधर, एंड वहां का पार्टनर प्रोग्राम तो अलग ही लेवल पे बहुत घटिया है बांग्लादेश का। बट स्टिल इंडिया के बंदे बोल सकते हो मॉडरेटर थोड़े अच्छे, उतने नीच नहीं है, गिरे हुए नहीं है, बट हाँ ये भी गलत चीजें करते हैं। आज की वीडियो बेसिकली इसलिए थी ताकि पागल हैमटन सुधर जाए, तुम लोग भी समझ जाओ कि भाई किस पे ट्रस्ट करना चाहिए किस पे नहीं। मैं ये नहीं कहता तो मेरे पे ट्रस्ट करो, अज्जू भाई पे, किसी भी क्रिएटर पे। देखो अपना आईडी पासवर्ड किसी को मत दिया करो, आईडी पासवर्ड की बात यहाँ नहीं है, तुम्हारा नंबर ओटीपी वगैरह कोई भी चीज मत दिया करो। स्टिल एंड बी सेफ रहो, सतर्क रहो, ठीक है। देखो मुझे पता मैं सावधान इंडिया वाला फील दे रहा था थोड़ा थोड़ा, बट हाँ अच्छे से रहो करो गेम में। गेम में रुपए लगाने का कोई मतलब नहीं है, तुम भी जानते हो, जब तक गेम अनबैन नहीं हो जाता। उसके बाद भी अभी गेम ने बोया पास लाया जो भी एक तरह से स्कैम ही है। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।